जी राम राम जी सारे ने तो स्वागत है आपका अपने ही कोने व्लॉग में। तो अनिता भी व्लॉग चैनल के सारे दर्शकों ने मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम हार्दिक शुभकामना कह जाऊँ भूल कर लेकिन फिर याद आ जाए हम राम राम करनी है। तो आज के व्लॉग में कर दूँ स्टार्ट। तो आज मैं जाने वाली हूँ रोहतक क्योंकि थोड़ा सा दुकान का सामान खत्म हो रहा है तो थोड़ा जरूरी जरूरी है तो वो सामान ले आऊँ मैं तो बच्चा के साथ में लेके जाऊँगी। तो स्कूटी अपनी चार खड़ी है तो बस 5 मिनट में चला है रोहतक। तो रोहतक जाके आपसे बात करती हूँ। बाड़ा आ गया हाँ कॉस्मेटिक का मैं सामान ले ला गई हूँ। तो ईशाना ये जिद लगा रही है यूँ कह मैं ये चोटी लूँगी इसके बाल है चोटी ले लूँगी। तो ये रिदेशू देशू तो यार मैं चूड़ी और ले लूँ हूँ तो देख लो चूड़ी 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 चूड़ी। तो ईशाना और दिशु बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ये मान नहीं रही तो बुआ खतरे चूड़ी और ले लूँगी। ये साइज दे देना अंकल ये वाला तो ये वाला सही है। हेल्थ तो यही है ये। यही है दिखाना एक बार। दोबारा चेक कर लो। गुड़िया देखो कल मैं थोड़ा सा सामान ले लिया है तो थोड़ा सा और भूल गई थी मैं कॉस्मेटिक का तो दोबारा लेने आई हूँ मैं तो बस इतना ही लेऊंगी मैं 3:30 बजे आई थी तो 5:30 हो गए तो यो ही लेके चलो तो लेट हो जाऊंगी। तो भैया को सामान लेने जा रही हूँ लेकर आऊँगी फिर मैं चलूँगी घर और उसके बाद मैं इनर और लेना जी। मैं बस ही पहुंची हूँ तो बारिश आ लगी थी फटाफट मन भागना पड़ा तो मैंने बच्चा थी कुछ भी नहीं खिलाया उड़ा नहीं शाना तो जल्दी जल्दी भागना पड़ा तो घर पे ही शाना के पापा ले गए तो ये स्लाइस खोल लिया आप तेरे दे दे और 10-10 रुपये चीज दे देंगे तो ये खाया हूँ वो चंगी रच कोई ब्लॉग भी नहीं डाला था तो मैं सोचू थी मारो तब तक जाए 1.5 घंटा लगेगा तो उस सामान लाऊंगी वो सामान दिखा दूंगी। तो मैं के शॉपिंग करके लेके आई तो यही होगा मेरा टाइट वेट तो देख लो क्या क्या शॉपिंग करके लेके आई। मेरा खतरा था मैं कुछ लेकर नहीं आया हूँ मैं तो कभी वे बस रह लूँ काम चला लूँ तो दुकान के लिए मेरे एक दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेकर आई सारी चीज़ें दिखाऊँ सारा चीज़ दिखाई थी। ये पैकिंग वाली पॉलीथीन लेकर आई हूँ मैं और ये दिखाई थी मैंने आपसी डालन खतरे पॉलीथीन लेकर आई हूँ और ये साथ में चूड़े लेकर आई हूँ इसका बहुत प्यारा कलर है मैरून मैरून चेरी चेरी कलर है। तो चलो मैं खोल के दिखाई दूँ आप सबने तो ये लेकर आई हूँ मैं ये बहुत भी ज़्यादा बिका है और ये लेकर आई और ये बुआ ने मंगवाई थी स्पेशल बोली ये नसीब की हैं बोली ये ले आई ये मैंने कांच की नहीं पहननी तो ये बड़ी भी लेकर आई हूँ और ये शैम्पू की लड़ी लेकर आई हूँ तो ईशाना टांग लग रही ईशाना हेल्प करोगे टांग दे बेटा और ये स्पोर्ट्स लेकर ये समीज तो मैं दिले के आई हूँ और ये छोटी छोटी बाड़ी से लेकर आई हूँ पॉन्ड्स पाउडर और पॉन्ड्स क्रीम और साथ में ये लिक्विड लिपस्टिक देखो कितने प्यारे कलर है ये कितने प्यारे प्यारे कलर सारे अच्छे कलर्स हैं तो देख लो जब ये और मेरी भी लिपस्टिक तमोरी थी तो मैं अपने लिए एक मैट वाली लिपस्टिक लेकर आई हूँ ये बहुत अच्छी है मैंने देखी थी इसके अच्छे से डिज़ाइन देखो कितना प्यारा यूनिक सा डिज़ाइन है इसका और एक ये चैन लेकर आई हूँ तो यूँ कही कति पक्की गारंटी की चैन है कलर नहीं जाओगा तो यू ठीक डिज़ाइन लगे था फिर मैं यूँ ले आई थी तो मैं देख लेंगे डाल कर तो यूँ कहते पक्की गारंटी है कलर नहीं जाओगा। ओहो बारिश आ रही है तो मैं गेहूँ पहले अंदर रखी थी मैं दे रहा था बारिश आओगी पक्का तो शुक्र है मैं पहले रखी गेहूँ सारा सामान अंदर ही रखी थी कुछ भी नहीं है तो अपने कमरे में आ गई हूँ मैं। इनर भी लेकर आना ही थे और भी सामान लेकर आना था लेकिन मैं लेकर नहीं आ पाई क्योंकि बिकॉज बारिश की वजह से तो बारिश आ गई थी मैं डर गई थी मगर स्कूटी नुका करें फिसड़ा भी ज़्यादा करें तो माँ ले तो रहने दो माँ ने बाज लो फटाफट में बच्चा तीन चीज़ नहीं खुआ के लाई थी तो आती हमने स्कूटी खोली बनाती दिखाई है तो बस मैं यू ये सोचो थी मैं आया पाछा ब्लॉग पब्लिश कर दूँगी टाइम तो आ जाऊँगी हालांकि मैं तो सही टाइम पे आ गई हूँ 3:30 बजे गई थी तो मैं 5:30 बजे आई 6 बजे फिलहाल तो यूँ लगा लो 6:30 बजे से आ गई तो मेरे ख्याल से तो मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ बाकी सामान भी बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक का सामान लेने में ज़्यादा टाइम हो जाए क्योंकि देख देख के लेना पड़ा है ना सारी चीज़ तो कॉस्मेटिक का सामान इनर तो नहीं ला पाई बस यो सामान लेकर आई हूँ तो इससे मैं मेरे 10,000 लग गई है तो देख लो इतना सामान लेना पड़ा है मैंने इकट्ठा लेना पड़ा है तो मेरी वो समझा करो था फीलिंग्स ने और हम उधार या लिपस्टिक लगा ली इसने मैं बताऊँगी तू जतन मन लगा था अंधेरा अंधेरा सा कि बारिश आवेगी तो आ गई मानी है तो बारिश आई ना मन तोड़े था कक्कर पाड़ दी माँ बेटा ये बोले मम्मी चीज़ खुआ दी माँ बेटा तुमने तेरे पापा लेकर आ रही फ्रूटी वो देवा दूंगी और घर ना जाग ले लो क्योंकि बारिश ज़्यादा आ गई तो स्कूटी फिसल भी जाया करो लेट भी हो जाएंगे अगर तेज़ बारिश होगी तो रोकनी भी पड़ जाएगी क्योंकि सामान बिक जाएगा बच्चे बिक जाएंगे बीमार हो जाएंगे तो मैं कहा तो नो करो फटाफट चल पड़ो तो मैं थोड़ा सा सामान रह गया था मेरा तो मैं कहा वो फिर ले आऊँगी परसों जाऊँगी फिर मैं तो हाँ परसों ले जाऊँगी तो
कॉस्मेटिक का आ गया है, इनर लेकर सूट लेकर सामान तो बहुत घना पेंडिंग है, तो क्योंकि लेकर आई मम्मी भी नहीं है तो मैं अकेली हूँ, तो बच्चा के साथ में लेकर जाना पड़ा है। और फिर ईशाना हेल्प करवा दे क्योंकि स्कूटी के पीछे ईशाना पकड़ ले सामान, तो ईशाना हेल्प करवा दे। और जिस छुट्टी फिर अकेले छोड़ कर नहीं जा सकती मैं, क्योंकि फिर अकेली रहोगी, मम्मी है नहीं, अगर मम्मी होती तो मम्मी के द्वारा मैं छोड़ कर चली जाती, तो जाते फिर अकेली हूँ। तो और मैंने आप प्रॉमिस कर रखा है व्लॉग ना डेली डालूंगी, चाहे मतलब चार से पाँच के बीच में मैंने वैसे तो बता रखा है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, आपने बेरा मेरे तक सामान लेगा ही तो लेट होगी, व्लॉग मैंने बनाया भी नहीं था आज, तो मैं आज सो गई थी, मैंने कुछ सुती नहीं छोड़ी थी, आज मैं कम से कम सवा घंटा सोई हूँ। तो आज मेरा पानी भी नहाया, मैंने पानी भी देखना पड़ेगा, दिन में तो आज आया नहीं था पानी, तो कल मैंने हलवा बनाया था आठम का, तो बहुत मैंने तो सही ना लगे, वो तो सही बन रहा था, मतलब बेरा की दिक्कत है, अपनी चीज़ हाथ की स्वाद ना लगे, दूसरा एक चीज़ स्वाद लगे अगर, यह बात पक्की है। तो कल मैंने पहली बार हलवा बनाया था, वह छोटी सी क्लिप भी मैं आपके सामने डाल दूँगी। तो और बस देख लो, मैं अपने वादे की कायम रही हूँ, मैंने आप तो व्लॉग डेली डालने का प्रोमिस कराया था, तो आप भी इसने आप सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया है कि वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा। और अब छुट्टियाँ के व्लॉग भी बहुत जल्दी आने वाले हो रहे हैं, तो मतलब आवेंगे, मतलब छुट्टियाँ में जाएंगे तो मेरी सारी बहन सब बहुत सारे इन्जॉय कराएंगे, तो वो भी व्लॉग मतलब बहुत अच्छे बनाऊंगी, तो सारे ने बहुत सारा प्यार दिखाना है अपना अपना, और जहाँ तक हो सके वीडियो ने शेयर कर दिया करो और पूरा देखा करो वीडियो ने, और लाइक कर दिया करो, लाइक कम आओ, वीडियो ज़्यादा देखा है तो लाइक करना शायद भूल जाए, तो ये वीडियो देखना तो बे लाइक कर दियो और साथ में शेयर कर दियो। बस आपके लिए यही आज की ताज़ा खबर थी, तो बस काम कर लूँगी मैं। फर्स्ट टाइम हलवा बना रही हूँ क्योंकि मम्मी आया करती, तो मम्मी ये बनाया करती, तो मैं पहली बार हलवा बनाऊँ, देखो किसा के टेस्ट आएगा। और इधर मैंने पालतू बाढ़ दी है तो ये गिर दूँगी, वो थोड़ा सा सुनहरा रंग का होया पक्का, देखो किसा बनाया। आप सब एक बात भी मैंने पूछनी थी, तो मेरा एयर फॉल इतना ज़्यादा होने लगे, मेरे तो कदम बाल जड़ाए नहीं करते और मैं कदम तेल लगाया करती, आज मैंने पहली बार तेल लगाया, मैंने दस साल में तो नहीं यू लगा ले, पाँच छः साल में मैंने पहली बार तेल लगाया, मैं तेल लगाया नहीं करते, मेरे बाल जड़ाया भी नहीं करते, सही बाल रहा करते। और ये एक महीना हो गया मेरे इतने बाल जड़ा है, मेरी बिल्कुल पूंजड़ी बन गई है बाला की, तो मेरी इतनी टेंशन हो गई है ये बाला की, नहीं मैंने कभी टेंशन ही नहीं करी थी, सही थी बाल, मतलब ये तो कत्ती इतने बाल जड़ा, इतने एक बार मैं देखा तो बुआ भी नुकलिया, इतने बाल जड़े हैं, बुआ ने भी अफसोस माना, तो मैं पूछू थी उड़े महा कौन सा शैम्पू वगैरह होगा, तो बोला 2000 का, बोला बहुत अच्छा शैम्पू, मैं भाई मैं तो बाले जड़वा लेंगे 2000 का मैं ना लेंगी, तो बोला बहुत अच्छा है, तो मैं 2000 का भाई कोई गरीब हो तो, बोला दही शैम्पू लगाओ, दही और नींबू लगाओ, मैं भाई ये लाए नहीं जाऊँ, इसी चीज़ होगी मैं हाथ पर टिक लाया हो जाए काम, बोला ऐसे तो कुछ नहीं, तो मेहनत तो करनी पड़ा करा। तो आप सबके आपने मेरा हो तो कौन सा शैम्पू वगैरह यूज़ करा, तो मेरा एयरफॉल बहुत ज़्यादा हुआ है, तो प्लीज़ मैंने सजेस्ट करियो कौन सा अच्छा वाला रहेगा, तो मैं जरूर लेकर आऊँगी क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा नाजुक हो रही है। तो बस आज का व्लॉग मैंने आड़े करना पड़ेगा ख़त्म, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।